आलम खान जी, जैसा आप जो बांद्रा कुकनी कब्रिस्तान का मसला है, वहाँ के आप रहवासी थे, जो डेमोलेशन हुआ उस पर इनलीगल घर बता के आपका घर डेमोलेशन किया गया, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। ये बात इनलीगल घर, तो इनलीगल घर जब कहा जाता है तो आपका घर इनलीगल था, इसके लिए डेमोलेशन बीएमसी ने किया, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अभी लीगल और इनलीगल का जो है मसला जी, तो ये जो गवर्नमेंट के पुरावे होते हैं के 95 के पहले के, अभी तो रूल निकला है कि 95 के पहले का जो घर है वो लीगल हो गया, ठीक है। तो हम तो उधर सन्स 1933 के पहले से जी, हमारे बाप दादा के टाइम से हमारा कुंबा वहाँ पे बसा हुआ है जी, और हम लोग आज सातवीं पीढ़ी हमारी वहाँ पे चल रही है जी। तो अभी हमारे पास में एविडेंस जो गवर्नमेंट के जी, जैसे रेशन कार्ड हो गया जी, आधार कार्ड हो गया जी, वोटर लिस्ट हो गई, जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है गवर्नमेंट के जी, वो हमारे पास सब अवेलेबल है जी। अगर आज हमको इनलीगल बोला जा रहा है जी, तो हमको इनलीगल नहीं बोला जा रहा है, जो गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स है जी, इसको इनलीगल बोला जा रहा है जी, हमारे हिसाब से, हमारी समझ से। क्योंकि हमारे पास में 60 का, जब 60 में इलेक्शन काउंटिंग चालू हुई थी, आज हमारे पास में उसका भी एविडेंस मौजूद है जी, रेशन कार्ड मौजूद है जी, हमारा जितना भी जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स है, हमारे बर्थ सर्टिफिकेट, हमारे स्कूल लीविंग जी, और हमारे जो बड़े थे जी, मेरे बड़े बाप जो थे जी, वो 1933 में वहाँ पे पैदा हुए, उनका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है हमारे पास में। तो अगर ये सब चीज़ों को मान्यता नहीं दी जा रही जी, ये सब चीज़ों को इनलीगल बताया जा रहा है और हमको आज इनलीगल बताया जा रहा है, तो कोई बात नहीं है, हम आगे देखेंगे। कानून से हमारे उम्मीद है कि हमारे साथ में इंसाफ होएगा, क्योंकि इस देश में हर किसी के साथ इंसाफ होता है, ये हमारा यकीन है जी, तो हमारे साथ भी इंसाफ होएगा। तो आपके पास सारे डॉक्यूमेंट ऑन पेपर है? हाँ, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स ऑन पेपर है। तो आपको इससे बीएमसी की नोटिस आई थी क्या, घर खाली करो तो डेमोलिशन होने वाला है? नहीं, हाईकोर्ट का ऑर्डर तो बताया जाता है कि डेमोलिशन का ऑर्डर है। नहीं नहीं, ऐसा हमको ऐसा कोई नोटिस नहीं आया, और जबकि मेरा तो घर लॉक था जी, मेरा घर लॉक था, क्योंकि मेरे को ये गुमान भी नहीं था कि ये सडनली आके इन लोग सीधा लॉक घर को डेमोलिशन कर देंगे जी, जिसके अंदर पूरे हमारा, हमको मतलब हर चीज़ से हमको ये कर दिया गया, आज हर चीज़ से बिठा दिया गया, मतलब एक बर्तन, अभी मैं आपको एविडेंस के हिसाब से फोटो दिखा सकता हूँ कि जो हमारे को एक पानी पीने का गिलास भी हमारा नहीं छोड़ा गया, हमारा जो पवित्र किताब, जो कुरान हम लोग जिसको बोलते हैं, जो कलाम पाक जिसको हम लोग मानते हैं, सारे मुसलमान जिसको मानते हैं, चाहे वो कोई भी इससे बिलीव करता हो, मुसलमान वो कुरान शरीफ को मानता है, तो हमको वो भी निकालने नहीं दिया गया। एक और एक सवाल पूछना चाहेंगे, कितने लोग इसमें, मतलब आपकी फैमिली में कितने लोग थे या कितने लोग अभी बेघर हो गए? मेरी फैमिली में 60 मेंबर्स है। 60 मेंबर्स जो उधर रह रहे हैं, 60 जन, और जितने मतलब कुछ इसमें से बच्चियों की शादी हो चुकी है, तो वो सब अपने अपने घरों में रह रही है। अगर टोटल इनको काउंटिंग किया जावे तो ये अप्रोक्स 150 के ऊपर चला जाएगा। ओके, तो अभी आपकी क्या उम्मीद है सरकार से, क्या मांग है आपसे? अभी सरकार से मेरी ये उम्मीद है कि अगर इनलीगल मेरे को बोला गया है जी, तो मेरे को किस बेस पे इनलीगल बोला गया है, मेरे को सरकार से ये मेरी उम्मीद है कि अब किस बेस पे हमको इनलीगल बताया गया जी, जबकि हमारे पास में रेशन कार्ड है, यह हमारा तो बनाया हुआ नहीं है जी, सरकार का है, वोटर लिस्ट कार्ड बनता है वोटिंग का, यह हमारा नहीं बनाया हुआ है, ये सरकार का बनाया हुआ है, आधार कार्ड है ये सरकार का बनाया हुआ है, अपना जितने भी डॉक्यूमेंट्स बनते हैं ये सब गवर्नमेंट के बनते हैं, हमारा तो कुछ नहीं बनाया हुआ है। अगर हाँ, तो हमारा कुछ बनाया हुआ है
या कुछ ये है तो उसके वो आप ये कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो। वही, बहुत बहुत शुक्रिया अफ्तरीन से बात करने के लिए आलम जी।